इस राज्य में जो भारतीय झूठा पार्टी बीजेपी है वो अभी शनिचरा का स्थान से चल रही है, उसको शनि ग्रह का सामना करना पड़ रहा है। जयराम तो जिस तरह से उन्होंने आंसू जैसे बड़ी पार्टियों की जो है उन्होंने लुटिया डुबेने के काम किया। इस व्यक्ति का नाम नहीं जो अकेले जीत के आए वो अपनी पार्टी का, हमको नहीं लगता है कि उसके एक हवा बनाया जा रहा है जो गलत है। और जनता ने यहाँ उस सरकार को चुना, उस पार्टी को चुना जो जनता के हित की बात कर रहा था, राज्य के हित की बात कर रहा था, राज्य के विकास का बात कर रहा था। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? और हमें आशा है कि कुछ ही दिनों में, चूँकि 9 तारीख से विधानसभा, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। किसान का ऋण माफ़ किया गया, बिजली बिल माफ़ किया गया, आपको छात्रवृत्ति दिया गया युवाओं के लिए। सामंजस्य बना के 5 साल सरकार चलाना चाहिए और चलेगा। नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं। जीएन भारत देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से झारखंड विधानसभा का चुनाव जो परिणाम सामने आया, इस परिणाम के बाद जो है इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं वो उत्साह जो है भरपूर नज़र आ रही है। और वहीं हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आरजेडी ने 4 सीटें लाकर जो है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन वापसी की है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के मीडिया प्रभारी कैलाश यादव जी। कैलाश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद कैलाश जी। जिस तरह से आरजेडी ने परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा किया है, 4 सीटें लाने में कामयाब रही है, क्या लगता है कि आने वाले दिन में आरजेडी का वो दमखम दिखेगा? राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। और राष्ट्रीय जनता दल 4 दिन की पार्टी नहीं है, ना 4 दिन का विचारधारा है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जननायक नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, जो देश में सोशल जस्टिस लाया और सामाजिक न्याय का अनंत गाथा लिखे। कि लालू जी ने एक ऐसा पटकथा लिख दिए हैं कि कोई भी क्षेत्रीय दल का जन्म होगा तो लालू जी के विचारधारा को अपनाना ही पड़ेगा। उसके हम लोग सेवक हैं, उसके हम लोग छात्र हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में आपके माध्यम से कहना कि कल जोश करो साज है, कल क्या होगा, तो इस पार्टी में सदस्यता लेने के बाद जो है ऑटोमेटिक ऊर्जा आ जाती है। और हम लोग तो काफ़ी दिनों से रहे हैं और राजनीति में तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन घर जो है, इस घर में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। और जो इस घर से आया है कुछ ना कुछ पहचान ले ही गया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की विशेषता यही है। तो निश्चित तौर पर सब लोग ऊर्जावान हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य की जनता को, राज्यवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को फिर से 4 पिलर के तौर पर 4 विधायक दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसकी 4 गुना हम लोग कोशिश करेंगे कि 4ों प्रमंडल में हमारा परचम जो है कि ऐसे ही फहरे। सवाल है कि अब शपथ ग्रहण समारोह जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले लिए, ठीक है, अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है। अब आरजेडी के खेमे में क्या कुछ चर्चा चल रही है, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी बातें जो है सामने आ रही कि कहीं ना कहीं इन 4ों में से 1 को जो है मंत्री बनाए जाने की संभावना है, तो आप क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे 4 ऊर्जावान साथी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो गए हैं, तो इसी में से कोई एक सज्जन बनेंगे। और ये सब फैसला हमारे शीर्ष नेता राजद के जो हैं आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी वो लेंगे, क्योंकि पार्टी का विचारधारा वो है, पार्टी उनके नीति सिद्धांत पर चलती है, तो उसी के हिसाब से वो नेता तय करेंगे, मंत्री तय करेंगे। विधायक दल के नेता हमारे देवघर के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आपको सुरेश पासवान जी को नियुक्त किया गया है। उसी तरह से जब समय आएगा, चूँकि राजनीति तो समन्वय का चीज़ है ना, और राज्य में सरकार जो बना इंडिया गठबंधन के नाम पर बना है और इंडिया गठबंधन के नाम पर अलायंस होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो इंडिया अलायंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं मंत्री पद में, अब वो उसका विशेषाधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को है। तो हम लोग की पार्टी से जहाँ तक समर्थन सहयोग की बात है तो सरकार में तो है, पूर्व घोषित भी है, तो अगर मंत्रिमंडल में उसमें जगह देना होगा तो लालू जी तय करेंगे। लेकिन सरकार समन्वय से चलेगी और हम लोग को भी ऐसा उम्मीद है कि एक समन्वय समिति की या कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो भी एक सामंजस्य बना के
पाँच साल सरकार चलाना चाहिए और चलेगा निश्चित तौर पर। जो है कि जो लोगों का आकांक्षा है, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सरकार काम करेगी, ऐसा मेरा स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मानना है। अच्छा, जिस तरह से सरकार बनी और कहीं ना कहीं मैंडेट जो है आपके पक्ष में आया, क्या लगता है कि ये जो मैंडेट है ये मैया समान योजना बनी या जयराम महतो जो है बड़ा फैक्टर? क्योंकि जयराम महतो जिस तरह से उन्होंने आंसू जैसे बड़ी पार्टियों की जो है उन्होंने लुटिया डुबेने के काम किया, क्या लगता है कि ये दो फैक्टर सामने आ रहे हैं? चर्चा भी तेज है। देखिए, आप लोग माने चाहे नहीं माने, इस राज्य में जो भारतीय झूठा पार्टी बीजेपी है वो अभी शनिचरा का स्थान से चल रही है, उसको शनि ग्रह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो राजनीतिक एजेंडा है वो नफरत विरोधी है, तो इसको जनता ने नकारा। आप हमेशा तुष्टीकरण की बात किए, ध्रुवीकरण की बात किए, जाति में समाज में बांटने की बात कहें, राज्य में घुसपैठ का बात कहें, बांग्लादेशी की बात कहें, इसका जरूरत नहीं था, ये राज्य का चुनाव था। और प्रादेशिक न्यूज समाज अति में चुनाव में गांव खलिहान की बात करना चाहिए, खेती और मजदूर की बात करना चाहिए, जवान नौजवान की बात करनी चाहिए, महिला युवाओं की बात करना चाहिए, उस पर कभी बीजेपी ने बात नहीं किया। बीजेपी चुनाव के अंतिम दिन तक जो है सभी चरणों के चुनाव में वो जो केवल घुसपैठी है और तुष्टिकरण की बात की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ले आए, राष्ट्रीय पटल पर जितने भी देश के बड़े नेता मंत्री थे सबको लाए, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री ने यहाँ पर कैंप कर दिया। लेकिन जो मुद्दा उठाया वो राज्य का मुद्दा नहीं था, इसलिए जनता ने उनको खारिज किया। और राजनीति बीजेपी दिशा है इनकी, नदी के धारा के खिलाफ में राजनीति की, इसलिए जो है कि उसको डूबना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डूबी, जनता ने खारिज किया। और जनता ने यहाँ उस सरकार को चुना, उस पार्टी को चुना जो जनता के हित की बात कर रहा था, राज्य के हित की बात कर रहा था, राज्य के विकास का बात कर रहा था, समुचित विषयों पर चर्चा कर रहा था, चाहे जवान हो, नौजवान हो, महिला हो, युवा हो, छात्र हो, किसान हो, आमजन हो, सबके हित की बात किया है। किसान का ऋण माफ़ किया गया, बिजली बिल माफ़ किया गया, आपको छात्रवृत्ति दिया गया, युवाओं के लिए हर सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिया गया, राज्य के शासन प्रशासन जो है कि गांव खलिहान में गए, प्रतिनिधि लोग जो है कि गांव में गए, जनता की बात गांव में सुनी गई, तो ऐसे कई सब विषय है। मैया सम्मान योजना था तो केवल एक मैया सम्मान योजना को ही नहीं देखना चाहिए, कई जो है कि सरकार ने जन उपकारी का काम किया, जन परोपकार का काम किया, तो सारे विषयों को कैलकुलेशन की जगह तो सरकार ने हर सेक्टर में हर क्षेत्र में घुसने का काम किया और बाकायदा प्रमाणित के साथ में काम किया और ज़मीन पर जो है कि काम किया, हवा हवाई हाथी उड़ाने वाला बात नहीं किया। और रहा सवाल, आप एक जिस व्यक्ति का नाम लीजिए जो अकेले जीत के आए वो अपनी पार्टी का, हमको नहीं लगता है कि उसके एक हवा बनाया जा रहा है जो गलत है। इसके पहले भी सुदेश महतो चुनाव लड़े थे, उस समय भी दो सीट जीत कर आए थे, एक सीट दो सीट जीत के आए थे, इस बार भी चुनाव लड़े, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में सुदेश महतो को जाने से हानि हुआ, ना कि सुदेश महतो के साथ में बीजेपी को लड़ने से बीजेपी को हानि हुआ, सुदेश महतो का हानि उठाना पड़ा वो बीजेपी में जाने से। अगर सुदेश महतो अकेले चुनाव लड़े थे, चूँकि वो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, यहाँ के स्थानीयों की राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का उन पर निगाह रहता, लेकिन बीजेपी के साथ जाने से उनकी भी लुटिया डूब गई। और हमको लगता है कि इस बार का जो चोट है सुदेश महतो को, हमको नहीं लगता है कि आने वाले लंबे समय में उठ पाएंगे, चूँकि वो नकारात्मक राजनीति का एक बहुत बड़ा परिचय दिए और स्वयं अपने भी हार गए, इसके लिए हम लोग भी चिंतित है। पार्टी के नेता हैं, एक सम्मान है, लेकिन उनका भी राजनीतिक जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति की है। और बीजेपी के द्वारा हमेशा राज्य में काउंटर किया गया, जनता के खिलाफ में, राज्य हित के खिलाफ में बोलते गए, घुसपैठी आतंकवादी के नाम पर बोले, एनआरसी सीए का नाम लिए, जो गांव देहात का आदमी एनआरसी सीए नहीं जाता, उसके मुंह में उंगली ठेल ठेल के बोलवाना शुरू किया बीजेपी। इस पर सुदेश महतो का चुप्पी कहीं ना कहीं उनको नाश कर दिया और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आशु पार्टी के लिए एक बहुत त्याग तपस्या संघर्ष की ज़रूरत है। हमको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इसका जो है कि भरपाई हो सकता है, चूँकि हम लोग भी बुरे दौर से गुजरे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा जनता के बीच में संघर्ष किए और लोगों के अपेक्षाएं और लोगों के आकांक्षाओं के विषय में सवाल उठाते रहे। और बीजेपी का प्रदेश हो चाहे देश हो, राष्ट्रीय पैमाने पर हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने जन विरोधी नीतियों का, राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध किया और आज भी सत्ता में उसके बावजूद भी उनके क्रियाकलापों का, जो विरोधी कार्यों का, उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। यही पार्टी का नीति और सिद्धांत है,
इसके तहत जनता ने पुनः स्वीकार किया और हमारा सामाजिक समीकरण में हम जिस समाज से आते हैं, जो हमारा समाज का वोट है, जो हमारा समाज का समीकरण है, इसमें सभी जाति के लोग हैं, उसको जनता ने स्वीकार किया। चूँकि 85% 90% यहाँ पर ST SC OBC का माइनॉरिटी की जनसंख्या है, उसमें हम बड़े पैमाने पर आते हैं, तो हमारा जो सामाजिक न्याय का जो मंदिर है, जो मुहावरा है, जो मुकुट है, वो टूट नहीं सका, उस गुंबद को कोई छेद नहीं कर सका और ये गुंबद हमेशा कामयाब रहेगा। इसको हम लोग संरक्षण के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अपनी राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर वही क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? देखिए, आप मंत्रिमंडल का दूसरी बार अभी चर्चा कर दिए, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि झारखंड के साथ साथ में महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र के विषय में तो कोई देश का मंत्री तक की घोषणा नहीं हुई, वहाँ भी समन्वय नहीं बन सकी, हवा हवाई केवल बातें चल रही है। तो चूंकि अभी आज के जो दौर में राजनीतिक आकांक्षाएँ लोगों का है काफ़ी बड़ा है, और चूंकि जो 15% का जो दायरा है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके चलते तमाम दलों में परेशानी होती है, लेकिन वहाँ तो BJP बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी कहती है, तो उसको तो क्षणिक भर में ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके सबसे बड़े गारंटर हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मोदी का गारंटी अंतिम गारंटी है, लेकिन हम तो जानते हैं कि मोदी और BJP की गारंटी सबसे झूठ की गारंटी है, इनकी गारंटी फेल है। और महाराष्ट्र में जो स्थिति देख रहे हैं, इन झारखंड में हमारी सरकार बन गई है और हमें आशा है कि कुछ ही दिनों में, चूँकि 9 तारीख से विधानसभा, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ऐसा हम लोग को मैंने संकेत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपको। तो ये थे कैलाश यादव जी, जिन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो है अपनी बातों को रखा है, और उन्होंने कहा है कि जो सत्र है, सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। वहीं जिस तरह से उन्होंने कहा है कि लगातार भाजपा को जो है RJD ने निशाने पर लिया है और कहीं ना कहीं हमलावर रही है, इसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं BJP की वो हार हुई है। तो GN भारत के लिए रांची से मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।